यहाँ ट्रैफिक जाम है दोस्तों, तो घर है थोड़ा आगे में, जस्ट अभी हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों बात यह है, कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं आया, तो आई एम सो सॉरी दोस्तों। क्यों नहीं आया वो तो वजह आपको पता ही है कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आता, क्योंकि कल भी मेरा बोनी नहीं हुआ दोस्तों। सारा दिन आके मैं अपने में बैठा रहा, पहला मैं यहाँ पे आया था दोस्तों आने का साथ साथ, फिर यहाँ से दो घंटा बैठ के फिर मैं चला गया ऑकलैंड में, और ऑकलैंड से डायरेक्ट घर चला गया दोस्तों। तो कोई काम भी नहीं मिला, इसलिए कोई वीडियो भी नहीं बनाया मैंने, वही बात है। तो आज आके दोस्तों मैं ऑकलैंड जाने के बजाय डायरेक्ट आ गया जी एस रूट बहुत दिनों बाद, तो देखते हो आज काम वगैरह मिलता है कि नहीं। और गाड़ी मैंने सही जगह पे नहीं लगाई, क्योंकि साइड में एक स्कूटी है, वो निकलेगा फिर सही जगह पे लगाऊंगा गाड़ी। स्कूटी रख के आदमी कहाँ चला गया मालिक पता नहीं दोस्तों। तो वही बात है दोस्तों, कल तो कुछ काम नहीं मिला, और ये हफ्ता में तो ऐसा हो रहा है दोस्तों कि क्या ही बोलूँ। तो हर दिन ऐसा ही होता दोस्तों, एक काम का ऊपर तो मिलता ही नहीं, और कभी कभी अभी तो ऐसा हो गया कि काम ही मिलना बंद हो गया। तो देखिए दुकान में कोई भी कस्टमर नहीं है, जो भी दुकान है सभी खाली खाली देखा जा रहा है, तो इसी वजह से किसी के पास भी सेलिंग नहीं है, तो क्या ही बोलूँ। वही बात है दोस्तों, सब करते हैं वेट दोस्तों, देखते हैं कितना टाइम लगता है काम मिलने में। वैसे तो एक बज चुका है ऑलरेडी, एक बज के 3 मिनट हो चुका है, बस अभी अभी पहुँचे ही दोस्तों। वही बात है, तो करते हैं वेट, मिलते हैं कोई काम आने का सब सब। A little longer than a few minutes later. सर दोस्तों फाइनली कॉल आ चुका है एमबी फर्नीचर से, मैंने गाड़ी लगा दिया दोस्तों यहाँ पे देखिए। तो एक डाइनिंग टेबल है दोस्तों जो लेके जाना है मोयो, तो एमबी फर्नीचर के सामने मैं आ चुका हूँ, और सामान जो है वो मतलब गोडाउन से आएगा, तो 3 घंटा बाद में मिला है। पूरा पूरी टाइम हमारा 4:08, तो दोस्तों अभी अभी आया ही है, तो आ गया ना डालने के लिए, तो डाल के मिलते हैं दोस्तों। एक ही मतलब 4 सीटर वाला है सर, 4 सीटर था, 4 सीटर, सो डाल के मिलते हैं। तो सामान डालना तो हो गया, देखिए छोटा मोटा है डाइनिंग टेबल है, चलिए निकलते हैं दोस्तों, डालना तो हो गया। ट्रैफिक जाम इतना है कि क्या ही बोलूँ, क्योंकि सैटरडे है दोस्तों, इसी वजह से। निकलते हैं दोस्तों, मैं तो निकल गया, और क्या ही बोलूँ, इतना ट्रैफिक जाम है दोस्तों, क्योंकि आज सैटरडे है दोस्तों, तो ट्रैफिक जाम तो होगा ही, जिस तरफ से भी मैं जाऊँ या जिस तरफ से भी मैं आऊँ ट्रैफिक जाम तो मुझे मिलने वाला है ही। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 4:40, तो जाके पहुँच के, क्योंकि आज सैटरडे है, आने का टाइम मुझे कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम मिलेगा, मुझे पता है दोस्तों। तो आने में कितना बजेगा कोई गारंटी नहीं, जाते हैं दोस्तों, क्या करें और उपाय नहीं, जो काम मिला वो भी वो साइड का ही मिला है, अभी छोड़ नहीं सकता, जो काम मिला है तो मिला है दोस्तों, छोड़ भी नहीं सकता कुछ काम, छोड़ने से नहीं होगा, यही बात है। जाते हैं दोस्तों, देखते हैं जाके कहाँ पे है घर। तो दोस्तों मैं पहुंच गया जय, और यहाँ पे आके भी फिर से वही ट्रैफिक जाम दोस्तों। आज तो सैटरडे है, मेरा बैंड बजने वाला है, जो साइड में सैटरडे में ट्रैफिक जाम होता है वही साइड का काम भी मिला है, तो काम मिला है कुछ बोल भी नहीं सकता दोस्तों कि नहीं जाऊँगा, पहला काम मिला है। उपाय नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही दोस्तों, तो जय में भी पूरा ट्रैफिक जाम है। तो जय से जाके जब मैं मेन रोड पर उठूँगा उधर से, तो और कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम होगा, आने का टाइम ज़्यादा होता है दोस्तों, जाने का टाइम अगर भी मुझे इतना नहीं मिला तो आने का टाइम, तो मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट घर ही चला जाऊँ आने का टाइम, क्योंकि अभी थोड़ा ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा, और अंधेरा होने का बाद में दोस्तों वही बात है, नहीं करे उपाय नहीं है दोस्तों, जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए कितना ट्रैफिक जाम है, ये साइड पूरा मेन रोड
से जुड़ा है, ये सब आने का ब्लॉग है दोस्तों, जाने का ब्लॉग इतना नहीं है, मतलब है थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं है, यही बात है। देखिए पूरा लाइन है, पूरा लाइन है, इतना लाइन है कि क्या ही बोलो। देखिए पूरा नीचे तक लाइन लग गया। दोस्तों मैं पहुंच गया पुणे का मेन रोड में हूँ फिलहाल। यहाँ पे जाने का टाइम तो इतना नहीं मिल रहा है, लेकिन आने का टाइम तो मुझे पता ही है। तो जितना अंधेरा होते जाएगा दोस्तों इतना ट्रैफिक जम बढ़ते जाएगा। सैटरडे को ऐसे ही होता है दोस्तों, हर टाइम आने का गाड़ी ज़्यादा है, जाने का गाड़ी तो फट से पहुँच जाऊँगा वो तो मुझे पता ही है। आने का टाइम तो मेरा मैं रुकने वाला है बजने वाला है दोस्तों, पूरे टाइम में बात बच जाएगा। दोस्तों मोयोंग तो मैं पहुंच गया, लेकिन जो उनका घर है वो थोड़ा आगे में है। जस्ट अभी मेरा उनसे बात हुआ है दोस्तों, तो उन्होंने बोले SBI जो है मोयोंग का, SBI बैंक का सामने से मतलब शायद लेफ्ट में। तो मैंने उनको बोला है कि मैं पहले पहुंच जाऊँ वहाँ पे, आके मैं कॉल करता हूँ। मेरे हिसाब से लेफ्ट में उन्होंने शायद गलती बोला है मुझसे, उनका बोलने में थोड़ा गलत हो गया। SBI के सामने से जो रास्ता जाता है मतलब राइट में जाता है वो, उनको बोला गया मैं मुझे ठीक से पूछना पड़ेगा उनको, तो वहाँ पे रोक के बात वगैरह करके फिर चला जाऊँगा। देखिए ये जो गाड़ी जा रहा है दोस्तों सभी जाके वहाँ पे जमा होगा और वहीं पे ट्रैफिक जम रहेगा। दोस्तों मेरा बात वगैरह हो गया था और मैं पहुंच गया, और मतलब सामने ही थोड़ा अंदर घुसना पड़ा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अंदर, और रास्ता में जाने का टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ज़्यादा ही डेंजर वाला रास्ता था। कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे होगा मुझे लगता है। सो दोस्तों मैं पहुँच गया हरी वाला घर, देखिए वाह वाह वाह, तो फटाफट सामान उतर लेते दोस्तों, जम उतर के मिलते हैं दोस्तों। A few moments later. So दोस्तों फाइनली सामान उतरना हो गया कंप्लीट और मैंने उनको फिटिंग करके दे दिया, और अभी मैं जा रहा हूँ निकलने के लिए। थोड़ा मुश्किल वाला है निकलने का, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उतरना पड़ेगा मुझे गाड़ी। मैं अभी बैग जा रहा हूँ दोस्तों, देख देख के उतरना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से अभी मुझे राइट हैंड साइड में घुमाना पड़ेगा गाड़ी,
होते हैं अभी, वैसे तो 5:30 बस 2 मिनट बाकी है 5:30 होने में, जाते हैं डायरेक्ट। मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ, अगर मेरा जल्दी होता दोस्तों तो मैं टीवी जाऊँगा, अगर नहीं होता तो डायरेक्ट घर चला जाऊँगा दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। अगर ट्रैफिक जाम ज़्यादा मिला तो डायरेक्ट घर, अगर कमती मिला तो डायरेक्ट टीवी। निकलते दोस्तों, मिलते डायरेक्ट जाके देखते हैं कहाँ मिलना होता है, घर पे या टीवी में। और रास्ता देख के तो मुझे डर ही लग रहा है, इतना चढ़ाई है कि क्या बोलूँ। सो दोस्तों, और पीबी जाना नहीं हुआ, डायरेक्ट मैं चला आया घर में, क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना ही ज़्यादा था कि क्या ही बोलूँ। घर पहुँचते पहुँचते 7:30 हो गया दोस्तों, सोचिए। निकला था मतलब उस टाइम में अंधेरा हुआ भी नहीं था, लेकिन रास्ते में अंधेरा हो गया दोस्तों, तो इसी वजह से पीबी जाने के बजाय डायरेक्ट चला आया घर दोस्तों। आज का वीडियो अगर पसंद है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए ब्लॉग बचना है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।